Hi kids, I am back with the chapter 11th of your EBS book, Raw Food and Cooked Food. See, we eat many cooked food as well as raw food. In raw food, we take like carrot, radish, turnip, okay, cauliflower, cabbage leaves. See, these all are raw food. And cooked food, we know the food we eat after cooking, okay. Now in this chapter we are going to learn about how to cook food, okay, and what are the raw food, what are the cooked food, what are the things we use for cooking, like oil, like LPG gas, okay, and the types of cooking like baking, steaming, frying, shallow frying, okay. And we also learn about the method we cooked, okay. We use the utensils, theek hai, we grind our food with the help of mixie, okay, we use oven, and all these things we are going to cover in this chapter, okay. Now there is one small warm up, okay. Now circle the food item that you have to cook before you eat. सी, आपको कुक करना पड़ेगा इसको खाने से पहले, उन आइटम को आपको सर्किल करना है. सो वी कैन नॉट ईट दिस ब्रिंजल विदाउट कुकिंग, ठीक है, इसको हमने सर्किल किया. वी कैन नॉट ईट दिस पल्सेस विदाउट कुकिंग, ओके. वी कैन नॉट ईट दिस बिटर गार्ड विदाउट कुकिंग, ओके. सो दिस इज these two foods we can eat raw, okay. हम इसको ऐसे ही खा सकते हैं बिना पकाए. We can make milkshake, we can eat like direct raw, okay. Now the chapter starts from here. You must have seen your mother cooked food every day. आपने ज़रूर ही ज़रूर देखा है कि आपकी मॉम क्या करती हैं, रोज खाना कुक करती हैं, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स आर यूज टू कुक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. अलग अलग खाना बनाने के लिए वो अलग अलग तरह के बर्तन यूज़ करती हैं. लाइक जब हमें पूरियाँ बनानी होती हैं, वी यूज़ वोक, हम कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. जब हमें कुछ बेक करना होता है तो वी यूज़ वॉट दैट ओवन एंड दैट अपना बेक वाला यूटेंसिल चाहिए होता है हमको, ठीक है. नाउ यू मस्ट be surprised why we need to cook some item while we eat other raw. आपको ये बात बहुत सरप्राइज करती है कि कुछ आइटम्स को तो हम ऐसे रॉ ही खा लेते हैं और कुछ को हमें कुक करके ही खाना पड़ता है. जैसे हम दालों को रॉ नहीं खा सकते, ठीक है, वी कैन नॉट ईट देम रॉ, बट वी कैन ईट देम दीज टू फ्रूट रॉ और अदर फ्रूट्स टू ईट रॉ, ओके. नाउ फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमारी हेल्प करता है हमको ग्रो करने में, हमको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है. द फूड दैट वी ईट इज ईदर रॉ और कुक्ड. जनरली सॉफ्ट फूड इज ईटन रॉ. सी द फूड दैट वी ईट इज ईदर रॉ या और कुक्ड. जो हम खाना खाते हैं या तो वो हमारा कैसा होता है, कच्चा होता है, या फिर वो हमारा कुक्ड फूड होता है, ठीक है. एंड जनरली सॉफ्ट फूड इज ईटन रॉ. जो हमारा सॉफ्ट फूड होता है उसी को हम रॉ खा सकते हैं. जैसे हमारा खीरा, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें हम रॉ खा सकते हैं. हमारा तो ये है आपका शलगम है, बीट रूट है, ये हम रॉ खा सकते हैं, ओके. दीज वेजिटेबल कंटेन लॉट ऑफ वाटर एंड रगेज, दीज ऑल दीज, ओके. नाउ वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट. हम खाने को किस लिए पकाते हैं? वी कुक फूड जिससे कि खाना क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, टू मेक इट हेल्दी. ये हमको ये हेल्दी बनाता है और ये हेल्दी बन जाता है आफ्टर कुकिंग. एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और ये ईजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. सो ऑल्सो किल द डिजीज कॉजिंग जर्म्स इफ देयर एनी. और जब कुक करने से इसके जो जर्म्स हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब ये बॉयल होता है, जब ये कढ़ाई में ये बॉयल होता है या फिर तला जाता है, ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज आर कुकिंग वेसल्स, ओके. आवर कुकिंग वेसल्स इन आर किचन, दीज आर कुकिंग वेसल्स. विद द हेल्प ऑफ दीज कुकिंग वेसल्स वी कुक आवर फूड, ओके. नाउ हमारे किचन में कौन कौन से कुकिंग वेसल्स होते हैं? सी, हमें प्रेशर कुकर चाहिए होता है जब हमें चीज़ों को हीट करना होता है, हमें बॉयल करना होता है, ठीक है. हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, हम ग्रिल
यूज़ करते हैं, हम तवा यूज़ करते हैं, ठीक है, हम वोक यूज़ करते हैं, ओके, हम ग्रिडल यूज़ करते हैं, वी हैव रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड ऑल्सो, हमारे पास चकला बेलन होता है, उस पर हम रोटी या पूरी बनाते हैं. सो वी हैव मैनी टाइप ऑफ यूटेंसिल्स दैट हेल्प्स टू कुक इन कुकिंग फूड. ओके, वी कुक फूड इन वेसल्स, हम बर्तनों में खाना बनाते हैं. ओके, कुकिंग वेसल्स और कुकवेयर कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज. कुकवेयर या कुकिंग वेसल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल है मार्केट में. ओके, पीपल इन अर्लियर टाइम्स कुक्ड इन पॉट मेड ऑफ क्ले. पहले के ज़माने में जो लोग थे वो कैसे खाना बनाते थे, क्ले के पॉट में खाना बनाते थे. तो उनके पास क्ले के पॉट जो होते थे वो भी बहुत डिफरेंट डिज़ाइन के और छोटे बड़े शेप साइज के होते थे, ठीक है. दीज डेज स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास एंड आयरन वेसल्स आर अवेलेबल. मगर इन दिनों हमारे पास आयरन के वेसल्स मिल जाएंगे, ब्रास के, एल्युमिनियम के, स्टील के, कॉपर के, ओके, इवन ग्लास ऑल्सो हमारे पास कांच के भी मिल जाएंगे. ओके, वी ऑल्सो यूज प्रेशर कुकर एंड प्रेशर पैन फॉर फास्ट कुकिंग. जब हमें फास्ट कुकिंग चाहिए होती है, जल्दी से हमारा खाना बॉयल हो जाए, पक जाए, तो हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज अ मिक्सचर ग्राइंडर, ब्लेंडर एंड माइक्रोवेव ओवन आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर फूड. अभी हम आजकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी यूज़ करते हैं जिससे हमारा खाना जो है आसानी से, ईजीली बन जाए कम समय में. लाइक हमको जल्दी से अगर पीसना है या कुछ ग्राइंड करना है, कुछ मिक्स करना है, तो हम मिक्सी का यूज़ करते हैं. ओके, या हमें जल्दी से बेक करना है तो हम ओवन का यूज़ करते हैं, जल्दी से हीट करना है तो हम ओवन का यूज़ करते हैं. सो इससे क्या होता है, कम टाइम में हमारा खाना जल्दी इजीली बन जाता है. ओके, नाउ यह हमारा ब्लेंडर, माइक्रोवेव, ग्राइंडर, ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं. ओके, माइक्रोवेव सेफ, क्या सेरेमिक फॉर ग्लास वेसल, सेरेमिक और ग्लास वेसल्स के लिए हमारा माइक्रोवेव जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ फायर. हम फायर का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे घर हम खाना बनाते हैं, ठीक है. वी हैव गैस, वी हैव स्टोव, वी हैव ओवन. ओवन तो इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है. नाउ इसमें फूड इज यूजली कुक्ड बाय हीटिंग. खाना जो है हीटिंग, हीट से बनता है, ठीक है. नाउ मोस्ट पीपल इन टाउन एंड सिटीज यूज अ गैस स्टोव और ओवन टू कुक फूड. सी, जो लोग टाउन्स में और सिटीज में है वो गैस स्टोव और ओवन को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, कुक करने के लिए. गैस स्टोव्स वर्क ऑन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, ठीक है. दिस इज शॉर्ट इज एलपीजी गैस. जो गैस स्टोव है वो काम किस पे काम करता है, एलपीजी गैस पे काम करता है, ठीक है. और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर सीएनजी पे काम करता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे काम करता है. एलपीजी एंड सीएनजी आर द फ्यूल फॉर गैस स्टोव. गैस स्टोव के लिए क्या क्या फ्यूल है आपका, सीएनजी एंड एलपीजी, ठीक है. नाउ दे प्रोड्यूस फायर व्हेन लिट. जब हम इनको इसको जलाते हैं तो ये फायर प्रोड्यूस करती है, आग निकलती है. ओवन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. हमने लास्ट पढ़ा ओवन जो है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस है. ओके, नाउ इन सम विलेजेस पीपल स्टिल यूज चूल्हास एंड कैरोसिन स्टोव. गांव में आज भी लोग जो है चूल्हा यूज़ करते हैं और कैरोसिन स्टोव यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड. काउ डंग, केक, वुड एंड कोल आर द फ्यूल यूज टू लाइट द चूल्हास. हम चूल्हास के लिए क्या चाहिए हमको, चूल्हास के लिए हमको चाहिए काउ डंग, केक, ओके, वुड, हमको सूखी हुई लकड़ियाँ, हमको कोल चाहिए. ये हमारा फ्यूल है चूल्हा के लिए. नाउ गैस का फ्यूल क्या है, सी एन जी एंड एल पी जी गैस. ओके, नाउ मैथड ऑफ कुकिंग. नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मैथड्स. ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैथड टू कुक फूड. सी हेयर मेथड ऑफ कुकिंग में सबसे पहले लेट अस लर्न सम पॉपुलर मेथड ऑफ कुकिंग. यहाँ पे कुछ पॉपुलर मेथड दिए हैं कुकिंग के. फर्स्ट इज बॉइलिंग. इसमें हम क्या करते हैं, फूड को बॉइल करते हैं. नाउ इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर. इसमें हमारा खाना जो है बॉइलिंग वाटर में कुक होता है, पकता है. इट इज डन इन अ डीप पैन और वोक. इसके लिए हमें गहरी कढ़ाई चाहिए होती है या फिर हमारा जो भगोना, पतीला या फ्राइंग पैन या जो भी पैन है वो हमारा थोड़ा कैसा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल राइस, दाल, एग, सम वेजिटेबल्स आर कुक बाय बॉइलिंग. ये कुक किए जाते हैं उबाल के, बॉइल करके. सॉरी. सो द अदर
पॉपुलर मेथड इज स्टीमिंग. हमारा दूसरा पॉपुलर मेथड है स्टीम करके, हम भाप देके भी खाना कुक करते हैं. सी इन दिस मेथड फूड इज कुक बाय यूजिंग स्टीम. इस मेथड में हम खाने को पकाते हैं भाप से, स्टीम से. इट इज डन यूजिंग अ स्टीमर और प्रेशर कुकर. इसमें क्या होता है, हम स्टीमर या प्रेशर कुकर को यूज करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इडली, ढोकला, मोमोज आर कुक्ड बाय स्टीमिंग. ये दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टीमिंग. स्टीमिंग के ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल है. इसमें हम ये जो हमारा इडली, ढोकला, मोमोज है, ये कुक किया जाता है स्टीमर के थ्रू, ठीक है. नाउ रोस्टिंग. रोस्टिंग होता है लाइक हल्का हल्का रोस्ट करना, भूनना, ओके. नाउ इन दिस मेथड फूड इज कुक बाय डायरेक्टली हीटिंग इट ओवर फायर और इन अ ओवन. इसमें हम डायरेक्टली इसको हीट करते हैं आग के ऊपर रख के. सी डायरेक्ट हीट हो रहा है, ये कोयला जल रहा है नीचे और ये डायरेक्ट रखा हुआ है, किसी वोक में या किसी पैन में नहीं है. दिस इज, ये डायरेक्ट कुक हो रहा है, ठीक है. नाउ हैव यू सीन फूड बीइंग रोस्टेड बाय प्लेसिंग इट ऑन मेटेलिक स्टिक. ये हमारी जो मेटेलिक स्टिक है ना, इसमें हमने पनीर या आपका पाइनएप्पल या कहीं इसमें हम अपना कैप्सिकम सब डाल के इसको डायरेक्ट रोस्ट कर लेते हैं. फिर दिस इज द मेथड ऑफ रोस्टिंग. Roasting people roasted by placing it on a metallic stick on fire. These sticks are called skewers. इसको हम बोलते हैं skewers, ठीक है. For example, chicken and papad are roasted. हम इसकी help से, skewer की help से हम इसमें chicken, paneer या papad को roast करते हैं, ठीक है. Now frying. This is the another popular method of cooking food. Frying मतलब तलना, ठीक है. Cooking food in hot oil or ghee is called frying. हमें गरम तेल में या गरम घी में हम जब किसी चीज़ को तलते हैं, this is called deep frying. Okay. Frying in a wok is a deep frying. जब हम कढ़ाई में तलते हैं तो वो हमारा deep fry होता है. In this method the food get completely soaked इन ऑयल. इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा खाना होता है वो टोटली ऑयल को संक कर लेता है, सक कर लेता है, ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल पूरी, पकौड़ा, चिप्स आर फ्राइड. ये एग्जाम्पल किसके हैं हमारे, पूरी, पकौड़ा, ये सब क्या है, डीप फ्राइंग के एग्जाम्पल है, जिसमें पूरा ऑयल जो है पूरा सक कर लिया है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज वॉट, फ्राइंग. फ्राइंग इन अ ग्रिडल इज कॉल्ड शेलो फ्राइंग. ये जो हमारा फ्राइंग इन अ ग्रिडल, जो हम ग्रिडल में फ्राइंग करते हैं, जो हमारे तवे पे हम फ्राइंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शेलो फ्राइंग. मतलब ये पूरा घी में नहीं डूबा होता है हमारा फूड, ये शेलो फ्राइंग होता है. नाउ व्हेन वी फ्राई समथिंग यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल. जब हम थोड़े से ऑयल में अपने फूड को दोनों तरफ से फ्लिप करके सेकते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्राइंग, शेलो फ्राइंग, ओके. नाउ अमाउंट ऑन अ ग्रिडल इट इज कॉल्ड शेलो फ्राइंग. फॉर एग्जाम्पल पराठा, कटलेट एंड शेलो फ्राइड. जो हमारे पराठा और कटलेट्स हैं, ये कैसे एग्जाम्पल हैं, दे आर शेलो फ्राइड. ये पूरे घी में डीप फ्राइंग नहीं है, ये शेलो फ्राइंग है. इस पर हमने ईजीली फ्लिप करके दोनों तरफ से सेखा है, ओके. ईटिंग टू मच फ्राइड फूड शुड बी अवॉइडेड एज द मेक टू ओवरवेट एंड अनहेल्दी. हमको हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्या, टू मच वॉट फूड, जो हमारा ऑयली खाना है, जो हमारा डीप फ्राइंग खाना है. सो ईटिंग टू मच फ्राइड फूड, हमको फ्राइड फूड को ज़्यादा खाना अवॉइड करना चाहिए. इससे हम क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे, ओबिसिटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज बेकिंग. This is the another popular method of cooking, baking. ठीक है, bake में क्या करते हैं, हम bake करते हैं oven में. Now this method involve cooking food on a hot surface without direct exposure to the flame. इसको इस system में, इस method में हमारा जो food है उसको direct heat या direct fire नहीं मिलता है, okay. Now direct exposure to flame, it hardens the food. इससे क्या होगा, हमारा फूड जो होगा हार्ड होगा, क्योंकि डायरेक्ट उसको आग नहीं मिल रही है. दिस इज डन इन एन ओवन, और ये हमारा काम ओवन में होता है. कैसी होती है, ओवन में रेज होती हैं, डायरेक्ट आग नहीं होती है, ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल केक, ब्रेड, कुकीज आर बेक्ड. हमारे जो ओवन में जो हमारा केक है, ब्रेड है, कुकीज है, जो बेक हो रहा है, वो कोई डायरेक्ट हमारे गैस पे या डायरेक्ट फायर पे हम लोग उसे कुक नहीं कर रहे हैं. उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, हॉट इलेक्ट्रिक वेव्स है, जिससे हमारा खाना बेक हो रहा है, ओके. Now,
जिसकी वजह से हमारा खाना थोड़ा क्या हो रहा है, हार्डन्स द फूड, ये हमारे खाने को थोड़ा सा हार्ड बना रहा है. ओके, हार्ड है बट इजीली टू ईट है, ईटेबल है. सम वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, पम्पकिन एंड स्पिनिच गिव आउट देयर ओन वाटर व्हेन कुक्ड. कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पानी को, खुद ही जिन जो इन सब्जियों में खुद जो अपना नेचुरल वाटर है, ये खुद ही उस पानी को रिलीज़ करते हैं जब इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं, जब हम फायर लिट करते हैं. ठीक है, सम वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, पम्पकिन एंड स्पेनिज गिव आउट देयर ओन वाटर व्हेन कुक्ड. सम डिशेज सच एज चटनी, सैलेड, जूस एंड सैलेड ड्रेसिंग डू नॉट नीड टू बी कुक्ड. वी यूज़ मिक्सर ग्राइंडर और ब्लेंडर और समथिंग एंड चॉपर टू प्रिपेयर देम. सी, हर खाने को हमें उस तरह से कुक करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक हमारा सैलेड है, चटनी है, ठीक है, इनके लिए हमें ग्राइंडर और मिक्सर की हेल्प लगती है, मगर इसके लिए हमें प्रॉपर कुकिंग जो प्रोसेस है उसकी हेल्प नहीं लगती है. अब जब हम इसमें हम इसको कट करके इसमें हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक या ब्लैक पेपर डालते हैं तो ये खुद ही अपना वाटर रिलीज़ करते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन सम डिशेज सच एज चटनी, सैलेड, जूस एंड सैलेड ड्रेसिंग डू नॉट नीड टू बी कुक. इनको हम जब ड्रेसिंग करते हैं तो नीड नॉट टू बी कुक, हमें इन्हें कुक नहीं करना पड़ता. नाउ ग्रिलिंग, सी द अनदर मेथड ऑफ ग्रिलिंग. ये देखो ग्रिलिंग हो रहा है. ओके, नीचे क्या है, ये कोयला है, कोल है, और ये कोयला जो है इसमें हल्का सा मतलब इसको लिट किया हुआ है और ये अंदर से अपना हीट दे रहा है जिससे ये हमारा ग्रिल्ड फूड बन रहा है. ये हमारा कॉर्न है, ये हमारा मीट है, दिस इज़ हमारा शायद पनीर एंड अदर वेजिटेबल्स हैं. सो अ ग्रिल और अ तंदूर इज़ यूज फॉर ग्रिलिंग. हम ग्रिल के लिए तंदूर को यूज़ करते हैं या ग्रिल को यूज़ करते हैं. मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट. कई बार हम मीट या हमारे कुछ ऐसे खाना होता है जो हमारी वेजिटेबल्स होती है, उन्हें हम डायरेक्ट कुक करते हैं, डायरेक्ट हीट पे रखते हैं. दिस इज ऑल कॉल्ड ग्रिल, दिस इज कॉल्ड ग्रिलिंग, इसे हम ग्रिलिंग कहते हैं. नाउ वी हैव एक्टिविटी हेयर. सी, पनीर टिक्का को हम ग्रिल कर सकते हैं. ओके, पोटैटो चिप्स को हम डीप फ्राई करते हैं, पल्सेस को हम प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं. ठीक है, एग को भी हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं. ओके, एग को हम डायरेक्ट पैन में भी बना सकते हैं ऑमलेट की तरह. ठीक है, सो गिविन ब्लो आर नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, व्हाट मेथड ऑफ कुकिंग डज योर मदर यूज टू कुक देम. सी, पटैटो चिप्स के लिए वी यूज डीप फ्राइंग. ओके, डीप फ्राइंग. ओके, नाउ पल्सेस के लिए वी यूज प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर. ओके, नाउ पनीर टिक्का के लिए वी यूज ग्रिल. ओके, ग्रिल. ओके, नाउ एग्स के लिए वी यूज बॉइलिंग. ओके, बॉइलिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर ईटिंग विथ फैमिली. दिस इज ऑलवेज फन वेन वी ईट विद फैमिली मेम्बर्स. जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, हमारा खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है. ओके, तो ईटिंग विद फैमिली इज़ रियल फन. सबसे ज़्यादा रियल फन क्या है, अपने परिवार के साथ खाना खाना. नाउ इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. जब हम साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कभी कभी हम सेम प्लेट भी शेयर करते हैं, तो इससे हमें क्या फीलिंग आती है, टुगेदरनेस की, कि हम सब एक साथ हैं, परिवार हैं. इट इज़ अ टाइम टू डिस्कस ऑल दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. ये एक वो समय है जिसमें हम अपने अपने प्लेट के साथ बैठ के बातचीत करते हुए, अपने पूरे दिन को डिस्कस करते हुए हम टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड ईट एट लीस्ट वन मील ऑफ द डे टुगेदर. सारे फैमिली मेम्बर को कम से कम एक मील तो एक साथ करना चाहिए, है ना. दैट कुड बी वॉट, डिनर. हम डिनर इजीली सब साथ मिलके कर सकते हैं. ठीक है, नाउ रिप्लाइंग इट इज वॉट, विच मील डू ऑल द मेम्बर ऑफ योर फैमिली ईट टुगेदर. इन माई होम, डिनर. ओके, नाउ मेम्बर्स ऑफ फैमिली हेल्प ईच अदर इन वेरियस वेज. जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे की
कई तरीकों से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, काम जल्दी होगा और काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक ठीक है। नाउ वेज लाइक कुकिंग, सर्विंग, लेइंग टेबल, बाइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज, कैसे कर सकते हैं हम अलग अलग तरीकों से एक दूसरे की हेल्प घर में। हम लाइक कुकिंग, किसी ने कुक कर दिया, किसी ने चॉप कर दिया, किसी ने वॉश कर दिया वेजिटेबल, किसी एक मेंबर ने टेबल ले कर दिया, ठीक है, टेबल लगा दी, ओके। किसी कोई जाके मार्केट से वेजिटेबल और ग्रोसरीज ले आया, तो बाय दिस वे वी कैन हेल्प ईच अदर इन फैमिली, ओके। नाउ सी, हाउएवर सम पीपल इन आर फैमिली में नीड टू ईट स्पेशल फूड। कई बार क्या होता है, हमारे घर में हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशल फूड की ज़रूरत होती है। स्पेशल फूड इन सेंस कि फूड थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, थोड़ा ज़्यादा मैसी, थोड़ा ज़्यादा थिक मैसी हो, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एजड पीपल लाइक टू ईट सॉफ्ट सॉफ्ट फूड। जो हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कैसा फूड चाहिए, उनको फूड चाहिए सॉफ्ट फूड, क्योंकि उनके दांत नहीं होते, ओके, उनको डाइजेशन में थोड़ा थोड़ा इशू होता है, तो वो चाहते हैं दे नीड वॉट सॉफ्ट फूड, ओके, लाइक इडली, स्टीम्ड इडली एंड स्टीम्ड और बॉइल्ड राइस, एज इट इज़ ईजियर फॉर देम टू च्यूई एंड डाइजेस्ट इज इट। उनके लिए बहुत आसान है स्टीम फूड खाना, जिससे वो प्रॉपर च्यू कर सकते हैं, ईजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा मुलायम और कुक है स्टीम से कि वो ईजीली वो अपने वीक टीथ से कंज्यूम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बेबीज ड्रिंक मिल्क, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, ठीक है, दे हैव नो टीथ, उनके पास दांत नहीं है, तो वो मिल्क पीते हैं, तो उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मिल्क की ज़रूरत है। पीपल हु आर अनवेल नीड हेल्दी फूड दैट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमारे घर में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कभी बीमार होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड की और ज़्यादा अच्छे मिनरल फूड की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपनी बीमारियों से ओवरकम कर जाएं, ठीक है, टू ओवरकम देयर इलनेस एंड टू रिकवर सून, जिससे वो ओवरकम कर जाएं और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ठीक है। नाउ ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एथलेटिक्स रिक्वायर हेल्दी फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रन, अगर हमारे घर में बढ़ते हुए बच्चे हैं, या फिर वो बच्चा है, या वो पर्सन है जो एथलेटिक्स में है, जो ज़्यादा गेम्स खेलता है, सो दे रिक्वायर्ड मोर हेल्दी फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन। तो उनका जो फूड का जो वो है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, जिसमें हाईली प्रोटीन, हाईली फाइबर्स, हाईली मिनरल्स होने चाहिए, लाइक पल्सेस, एग, मिल्क, नट्स, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट, राइस, व्हीट, पोटैटो एटसेट्रा, बिकॉज दे नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। जब वो खेलते हैं या जो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टेमिना और एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो दे वॉन्ट टू ईट वॉट, दे नीड टू गेट ऑल दीज पल्सेज, एग, मिल्क, नट्स एंड राइस, व्हीट, पोटैटो, ऑल बॉडी बिल्डिंग फूड, ऑल प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। नाउ वी शुड ईट फूड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन लीफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग। हमको बहुत सारी सब्जियाँ और फल, फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी कैसी रहे, कीप आवर बॉडी हेल्दी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग। हमारी हेल्दी रहे बॉडी, फिट रहे बॉडी, स्ट्रॉन्ग रहे बॉडी, और जो हमारे जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं बॉडी में, वो फिक्स हो जाएँ, वो ठीक हो जाएँ, ठीक है। ना द वेज एडॉप्ट फॉर कुकिंग एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रीजन और कंट्री इज कॉल्ड क्यूजिन। सी, जो हमारा खाना बनाने का तरीका आता है, द वे वी कुक फूड इज, ये क्या है, ये हमारा क्यूजिन है, क्योंकि हम सेम इंग्रेडिएंट के साथ और सेम मटेरियल के साथ हम अपने तरीके से कुक करते हैं। लाइक जो दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान में बनता है, वो राजस्थान क्यूजिन है, ठीक है। इनके अपने मेथड होते हैं, इनके अपने तरीके होते हैं अपना एक पर्टिकुलर डिश कुक करने के लिए। नाउ द वे एडॉप्ट फॉर कुकिंग एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रीजन, ये एक पर्टिकुलर रीजन और कंट्री का होता है, जिसे हम क्यूजिन कहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम सम पॉपुलर क्यूजिन, आपने ज़रूर सुने होंगे कुछ पॉपुलर क्यूजिन, लाइक हमारा साउथ इंडियन क्यूजिन है, चाइनीज़ है, ठीक है, इटालियन है, कॉन्टिनेंटल फूड है, लाइक नॉर्थ इंडियन फूड है, साउथ इंडियन फूड है, आपका पंजाबी फूड है, ये सब क्या है, इन सब का अपना पर्टिकुलर रीज़न है और इनके अपने पर्टिकुलर मेथड है अपने फूड को कुक करने के लिए। सी दैट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, थाई, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन एंड मैक्सिकन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्यूजिन।
we cook food in a different manner or a particular way. Okay, now there are some exercise having OMR sheet. You have to make the correct option whole black. Okay, now we eat raw what? हम कच्चा क्या खा सकते हैं? हम कच्चा कुकुम्बर खा सकते हैं, ठीक है? Now कुकुम्बर, ठीक है? वी कुक मोस्ट बिफोर ईटिंग. वी कुक मोस्ट, हम ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो हैं खाने से पहले कुक करते हैं, या सैलेड या फ्रूट. तो वी कुक मोस्ट वेजिटेबल बिफोर ईटिंग. काफ़ी सारी सब्जियां हम रॉ खाने नहीं खाते, हम उन्हें कुक करते हैं, ठीक है? नाउ एलपीजी एंड सीएनजी आर फ्यूल फॉर व्हाट? फ्यूल फॉर गैस स्टोव. गैस स्टोव का फ्यूल है. ओके, नाउ दिस ओके. नाउ बॉइलिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन वाटर. बॉइलिंग इन्वॉल्व्स मीन्स कुकिंग फूड बॉइलिंग इन वाटर. पानी में हम बॉइल करते हैं और फिर हम खाते हैं, ठीक है? आफ्टर बॉइलिंग. नाउ टर्न द पेज, फिल इन द ब्लैंक्स. There are words are given below. You have to fill correct word in the correct blank. Okay? Is the method of cooking? What is the method of cooking? Roasting is the method of cooking. ठीक है? Are the vessel used to cook food? These are हमारे cookware. Okay? Now you would find in village. हमें village में क्या मिलता है? देखने को चूल्हा. Now metallic stick used in the roasting are called skewers. ये हमारे सीख होती है, पतली सी मेटलिक सीख, जिसमें हम ग्रिल के टाइम भी यूज करते हैं इसको, ठीक है? नाउ फर्स्ट इज कुकिंग. द मेथड ऑफ कुकिंग फूड इज रोस्टिंग. ओके, आर द वेसल्स यूज्ड फॉर कुक फूड? दे आर हमारे कुकवेयर, यूटेंसिल्स, कुकवेयर. ओके, यू वुड फाइंड इन विलेज. विलेज में हमें क्या देखने को मिल सकता है या मिलता है? चूल्हास. ओके, नाउ मेटलिक स्टिक यूज फॉर रोस्टिंग आर कॉल्ड स्कीवर्स. स्कीवर्स, ओके. नाउ टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. सो देयर वी हैव ट्रू फॉल्स. मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ. काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो हम रॉ करके खा सकते हैं. ट्रू, ठीक है? अ माइक्रोवेव डज नॉट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. माइक्रोवेव डज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है, तो ये नॉट लिख रहा है, दिस मीन्स फॉल्स. एलपीजी इज अ फ्यूल, राइट? इट इज अ फ्यूल फॉर गैस, ठीक है? ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एथलीट्स नीड टू ईट सॉफ्ट फूड. फॉल्स. ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एथलीट्स नीड टू ईट high protein food. Okay, now this is all about our chapter. I hope you all are understood. If you not, then go through again the chapter and watch my video again and again till you get understood. Bye bye.